नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे मूंग की फसल को किस प्रकार रोगों से बचाएं और कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। जून की शुरुआत में मूंग की बिजाई करने का उचित समय होता है। अगर सामान्य बरसात होती रहे तो बिना सिंचाई के भी मूंग की अच्छी उपज ली जा सकती है। मूंग की किस्मों की बात करें तो पूसा विशाल, पूसा रत्ना आदि मूंग की अच्छी किस्में हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। हमने पूसा विशाल किस्म का चुनाव किया और 20 जून को मूंग की बुआई की। फसल एक महीने की हो गई है, परंतु बारिश की कमी के कारण अभी तक अच्छी पैदावार नहीं हुई है। अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार का निवारण अवश्य करें, जिससे पौधे को पूरा पोषण मिलेगा, जमीन की नमी का बचाव होगा और फसल अच्छी पैदावार करेगी। बुआई से पहले बीजोपचार करें और अगर नियमित सिंचाई नहीं होती है तो पौधे से पौधे की दूरी कुछ ज़्यादा रखें। अभी हमारे यहाँ बारिश की संभावना बन रही है, अगर अच्छी बारिश हो जाएगी तो थोड़ी यूरिया का छिड़काव करेंगे। आज रात को हमारे यहाँ अच्छी बरसात हुई। अब बरसात के बाद फसल में बढ़वार अच्छी हो जाएगी और कुछ दिन में फूल आने भी शुरू हो जाएंगी। मूंग की फसल में खास तौर पर रस्ट रोग, हरी लट और तेलिया मच्छर की समस्या आती है। रस्ट रोग एक प्रकार की फंगस है जिससे पौधे के पत्तों पर गेरुए रंग के धब्बे बन जाते हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। इसके इलाज के लिए किसी अच्छे फंगिसाइड का फसल पर छिड़काव करें। इसके लिए कार्बेंडाजिम मैनकोजेब बेहतर विकल्प रहेगा, जिसका 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में घोलकर छिड़काव करें। कुछ दिन पहले हुई बारिश के बाद फसल में काफ़ी अच्छी बढ़वार हो गई है। हमारी मूंग की फसल लगभग 50 दिन की हो गई है और अब इसमें फूल आने भी शुरू हो गए हैं। अगर फूल गिर रहे हों और पौधों में पीलापन दिखाई दें तो थाइमेथोक्साम 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में घोलकर छिड़काव करें। इससे फूल गिरने बंद हो जाएंगे और पौधे की बढ़वार जारी रहेगी। अगर हरी लट का प्रकोप हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। इसके अलावा सस्ते विकल्प के रूप में डाइमेथोएट का 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, जो कि तेलिया मच्छर का भी निवारण करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक